तो कई बार ऐसे बीमारी आ जाते हैं तो हमको टेंशन आ जाता है और हम तुरंत सरेंडर कर देते हैं ऑपरेशन के लिए। और पोस्ट ऑपरेटिव के बाद ऐसे जो डिजीज होते हैं इसमें रिकवरी होना बहुत मुश्किल हो जाता है और दर्दी के लिए भी जीने नॉर्मल जीवन जीना भी मुश्किल हो जाता है और हम मेंटली भी टायर्डनेस हो जाते हैं, डिप्रेशन में दर्दी चढ़ा जाता है और फैमिली को भी मालूम नहीं पड़ता कि क्या करे क्या नहीं करे। तो आज की जो श्रृंखला है हमारा, जो हमने पार्ट वन बनाया है, जो बच्चों में हाइड्रोसीफेलस होता है, ऐसे ही सेम प्रॉब्लम्स यंग लोगों में भी होता है। तो आज के हम दूसरा जो पार्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि बिना ऑपरेशन जो एडल्ट्स में हाइड्रोसीफेलस होता है या CFS लीकेज होता है या ब्रेन ड्रेन्स होता है या जो एडल्ट्स में भी ये जो रेनोरिया होता है, तो इसके बारे में आप चर्चा करेंगे। और हमारा पार्ट वन जरूर देखना है, जो बच्चों में हाइड्रोसीफेलस होता है तो ऐसे बच्चों के क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और ऐसे बच्चे को कैसे तरह अच्छा हो सकता है। हमने चार पार्ट में ये हमने ये वीडियो बनाया है, तो आगे भी देखना। और बाद में हम मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे, वो मेडिसिन भी बारे में बताएंगे और कैसे तरह ट्रीटमेंट लिया जाता है इसके बारे में भी बताएंगे। तो आज का वीडियो है एडल्ट्स में जो हाइड्रोसीफेलस और लीकेज CSF जो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड लीकेज होता है और इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स है, क्या कॉज है, तो आज हम इसके चर्चा करेंगे। मित्रों, जब एडल्ट्स हो जाता है और हमारा जो ब्रेन में एक इम्पॉर्टेंट फ्लूड्स होता है इसको CSF बोलते हैं। ये CFF जो तो सेरेब्रोस फाइनल फ्लूड बोलते हैं, ये हमारा जो ब्रेन स्ट्रीम है, ब्रेन का जो ऑर्गन है, इसको कुशनिंग और इंटरनल प्रेशर को बैलेंस करने के लिए ईश्वर ने, कुदरत ने ये फ्लूड बनाया है। ये कई बार बढ़ जाता है तो जो हमारा ब्रेन का जो सेंट्रल पार्ट है जिसको वेंट्रिकल बोलते हैं, इसके ऊपर प्रेशर आता है और प्रेशर आने के कारण बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं और इसको आधुनिक साइंस में ऑपरेशन ही करना पड़ता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, आप जो साथ में होम्योपैथिक दवा लेते हैं, लॉन्ग टर्म कुक एक्सपीरियंस होम्योपैथ के पास, तो ऐसे रोगों में से आप बाहर आ सकते हैं, क्योंकि आधुनिक साइंस के लिए ब्रेन में ऑपरेशन करते हैं और एक शंट डालते हैं। शंट डालना मतलब सूखे जो ब्रेन में CSF जो फ्लूड है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड्स, ये बढ़ जाता है तो वो बाहर निकालने की कोई जगह नहीं है और सुखाने के लिए कोई ऐसी दवा नहीं है, तो एक ऐसा एक वाल्व डाल देते हैं और उसका दूसरा जो छोर होता है हमारे कई बार छाती फेफड़े के पार्ट में या हमारे जो आंतों के पार्ट में अंदर डाला जाता है और ये हर 6 महीने के 2 महीने में उसको बदलना पड़ता है जब भी वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ता है। तो ये प्रक्रिया लाइफ लॉन्ग चलता है और दर्दी के लिए डेथ एंड लाइफ का सवाल हो जाता है। और जो घर में ये बड़ा व्यक्ति हो, कमाने वाला व्यक्ति हो और ऐसे जो बीमारी लग जाए तो उनके लिए और उनका फैमिली के लिए सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाता है। पर आज जो होम्योपैथिक दवा करते हैं कोई सीनियर डॉक्टर के पास, तो ऐसे रोग को कई हद तक अच्छा भी कर सकते हैं और बिना शन डाले जो CSF फ्लूइड में जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है उसको ये मैनेज भी करता है। तो आज का वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो एडल्ट्स में जो लीकेज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है और उसको रेनोरिया कोई डिजीज में बोला गया है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, उसका क्या कॉज है, क्या साइन एंड सिम्टम है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मित्रों, इसका एक तो चार मेन पार्ट है। कई बार ये सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड कोई कारण हो सर इसका इटियोलॉजी मालूम नहीं होता है और उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है, इज अ वन ऑफ द कॉज। सेकंड थिंग, कई बार इसमें इन्फेक्शंस लग जाता है, कई बार टीबी का इन्फेक्शंस हो या मेनिंजाइटिस हो, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस हो और कई बार
कोई अभी जो कई पेशेंट को कोविड हुआ हो, पोस्ट कोविड के बाद भी ऐसा प्रॉब्लम्स हुआ है लोगों को, तो ये इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। कई बार ब्रेन इंजरी ट्रोमा होने के कारण ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में ऐसा ट्रोमा लग जाता है, दर्दी को कोई खून वून नहीं निकलता है, पर इंटरनल डैमेज होने के कारण धीरे 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 स्पाइनल फ्लूड्स और सेरेब्रल जो फ्लूड्स होता है इसमें एकदम चेंजेस आता है और बढ़ने लगता है, तो इसके कारण भी हाइड्रोसिफलस होने का चांसेस होते हैं। कई बार दर्दी को पोस्ट ऑपरेशन के बाद कोई ब्रेन की कोई सर्जरी कराते हो तो इसका कोई कॉम्प्लिकेशन में से CFS बढ़ता है। कई बार नीडल स्पाइनल फ्लूड्स टेस्टिंग में नीडल में इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये जो पंक्चर वुंड है इसमें जरिए भी यही प्रॉब्लम होने का एक संभावना रहती है। तो ये सब मोटा मोटी ये कॉज है होने की संभावना ये है। कई बार इन्फेक्शंस, कई बार साइनस का इन्फेक्शन लग जाता है तो दर्दी को नाक में से पानी आता है, छींके आती है, कान में से पानी आता है, छींके आता है, जिसको रेनोरिया बोलते हैं। रेनोरिया जैसे ही सिम्टम्स एलर्जिक साइनोसाइटिस में होता है, ऐसे ही सिम्टम्स लीकेज ऑफ CSF, जो लीकेज नाक में से ड्रॉपिंग इरिटेशन होता है, इसमें भी सेम सिम्टम्स आते हैं। मित्रों, इसमें क्या सिम्टम्स आते हैं, दर्दी को कैसे मालूम पड़े कि ये उनको वो हाइड्रोसिफिलिस है और लीकेज CFS हुआ है? तो इसके लिए आपको दर्दी को तो सीवियर हेडेक होता है, दर्दी को नोशिया एंड वॉमिटिंग रहता है, दर्दी को आंख में ब्लूरल विजन हो जाता है, कई बार दर्दी को चलने में लर्चिंग गेट हो जाता है, कई बार दर्दी को जो कान में ये फ्लूइड पहुंच जाता है तो वर्म टीनाइटस बोलते हैं, जिसको आवाज कान में आवाज आना, भड़बड़ा आवाज आना, कोई रिंगिंग बेल हो या कोई कोई कोइंग साउंड आता हो, या कोई नदी में जो पानी बहता है और ऐसे खर 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 आवाज आता है, ऐसे कानों में आता है, ये भी एक्सेस ऑफ फ्लूइड के कारण हो सकता है। कई बार अननोन कॉज ऑफ द वर्टिगो हो सकता है, कोई कोई कारण बिना बन चक्कर दर्दी को रहता है, तो यही भी कारण हो सकता है। दर्दी को डायमेंशिया हो जाता है, डायमेंशिया मीन्स दर्दी को याद नहीं रहता है, शॉर्ट मेमोरी या लॉन्ग मेमोरी भी उसको रिकलेक्ट करने में तकलीफ रहती है। कई बार किसी का नाम हो और कोई जगह का नाम हो, इवन तो फेमस जगह हो तो भी कैन नॉट मेमोराइज, तो यही प्रॉब्लम कई बार एक्सेस ऑफ फ्लूइड के कारण भी होने की संभावना रहती है। दर्दी को चलने में भी दिक्कत आती है, तो इम्बैलेंस हो जाता है, दर्दी को नींद नहीं आती, फटिगनेस रहता है और इरिटेशंस होता है, ये सारे सिम्टम्स सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड्स की वजह से हो सकता है। दर्दी को धीरे धीरे वेट लॉस भी होने की तकलीफ रहती है, तो ये मोटा मोटी जो सिम्टम्स होता है ये एडल्ट हाइड्रोसिफेलस में भी होता है। और सेम डिजीज है एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस में दर्दी को कांस्टेंट ड्रिपिंग ऑफ नोजिंग, पानी नहीं करता है, लीक नहीं करता है, और कई बार छींके चलती है, कई बार आंखों में से भी पानी आता है, कई बार कानों में से भी पानी आता है, दर्दी को हल्का बुखार आ जाता है, तो इसको एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। ऐसे सेम सिम्टम्स CSF लीकेज में भी आता है। एलर्जिक राइनाइटिस में ये जो पानी निकलता है ये वाटरी कलर का होता है, पर कई बार लीकेज ऑफ नोज में से पानी निकलता है, ड्रिपिंग नोज दिखता है, दर्दी को सर्दी नहीं रहती है, और ड्रिपिंग ऐसे नीचे करे और पानी टपकने लग जाए, और ये जो CFS फ्लूइड्स होता है थोड़ा स्पंजन कलर का होता है, ये भी थोड़ा येलोइश इन नेचर, गोल्डन येलोइश नेचर का होता है, और दर्दी को जब सो जाता है कांस्टेंट उसको ड्रिपिंग होता है, सो जाए या अपराइट पोजीशन में बैठे तो दर्दी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एलर्जिक राइनाइटिस एंड CSF लीकेज फॉर यंग एडल्ट्स। और इसके लिए ये जो जांच करते हैं हम आपको आगे का वीडियो में भी बताएंगे, तो इसके लिए कौन सी जांच है, तो ये सब जांच के बाद डायग्नोसिस होता है। तो आगे का जो वीडियो में हम आपको जो ओल्डर उम्र के जो व्यक्ति है और इसका कैसे तरह उनको डायग्नोसिस किया जाता है इसके बारे में हम आप जरूर बताइए। तो
तो हमारा जो पहला वीडियो है जो छोटे बच्चों में हाइड्रोसिफेलस होता है, ये जो वीडियो में है एडल्ट्स में हाइड्रोसिफेलस या लीकेज CSF का कारण, तो इसके लिए ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयाँ है, कोई सीनियर MD डॉक्टर पढ़े हुए हो इसके पास जाके धीरज से शांति से दवा कीजिए, क्योंकि दवा में बदलाव होता है, इसकी हिस्ट्री भी इम्पॉर्टेंट, पास्ट में कोई इंजरी है, इन्फेक्शन लग गया है, कोई दवा का रिएक्शन है, सब कुछ डॉक्टर, इसकी फैमिली जो मेडिकल हिस्ट्री या फैमिली हिस्ट्री से उनको टोटालिटी लेके उनका डायग्नोसिस होता है। तो आप ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करना और धीरज से आप दवा करोगे तो आपको एडल्ट्स में या बच्चों में हाइड्रोसिफेलस हो या लीकेज CFL हो या जो भी प्रॉब्लम इसके रिलेटेड हो ये धीरे धीरे ठीक जाता है और कभी बिना ऑपरेशन अच्छा हो सकता है। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।